कि मैं बेजान सी भरी जिंदगी में रंग घोल दूं, कि मैं बेजान सी भरी जिंदगी में रंग घोल दूं, और आपका चेहरा देखते ही मन किया कि चुड़ैल बोल दूं। ले फिर आ गए। और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया हो गए। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में रहने वाला है एक गेम प्ले और तुम्हारे भाई ने निकाला इसमें चिकन लेग पीस। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात, नेक्स्ट सीजन आने वाला है 3 से 4 दिनों में, नहीं शायद से 5 दिनों में आएगा। तो जब भी आएगा आप लोगों को कौन से मोड में रैंक पुश करनी चाहिए, सोलो डुओ स्क्वाड या फिर इनके एफपीपी वर्जन, उसकी भी एकदम डिटेल में बातचीत करी जाएगी। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर गलत मोड सिलेक्ट कर लिया ना तो अजी कद्दू हो रहा कॉन्करर। तो अभी अपन चलते अपने रजिस्ट्री वाले घर पे और बस देखते जाओ टोटल तुम्हारे भाई कितने किल्स निकालने वाला। और अपन आज खेल रहे अपना सिग्नेचर आउटफिट पहन के। अबे यार डीपी वाले तेरी ऐसी की तैसी, इसने मेरी रिया मार दी। अरे मतलब योर रिया। अबे भाई साहब कितना बड़ा लुटेरा था यो भालू, मतलब भाई साहब मेरे सामने लूटे जा रहा है। भाई अगल बगल का ध्यान तो रख ले। अभी भैया जी को दूर से किसी ने डैमेज दिया था, लो डैमेज देने वाला भी आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने उस बंदे को 1 HP पे निपटा दिया। अजी घंटा उसके पास थी वेक्टर जो कि रिलोड पे आ गई, इस वजह से बचा है तुम्हारा भाई अभी तक। अपने अच्छे खासे 3 किल भी हो जाते हैं। अब देखो फुल हीरो वाली एंट्री मार के तुम्हारा भाई इधर आ गया था। रुको पहले पैसा उठा लिया जाए। अब देखो सामने की साइड एक और बंदा है और इसको देखो तुम्हारा भाई जो ही निपटाने वाला है ना। मैं बस इंतजार कर रहा था कि ये भैया जी कर क्या रहे। अब यहाँ पे मेरे को साउंड आता है ये भैया जी जनरेटर रिलोड कर रहे हैं, तो घुसो भाई बिल्कुल अंधा घुसो। देखो बदला सक्सेसफुली हैज बीन टेकन हो गया, इसने मेरा पहला किल चुराया था, मेरी रिया मार दी भाई साहब। ओपन में मैं एकदम आराम से निपटा था। अब देखो अपने अच्छे खासे 4 किल तो हो ही गए थे, बाकी लास्ट तक 1-2 किल तो और निकाल ही लेंगे, मस्त केडी मेंटेन हो जाएगी। तो तुम्हारा भाई वहां से पहली फुर्सत में निकल लेता सीधा प्लेन करके, क्योंकि भाई वहां पे गाड़ी नहीं मिलती ना, तो तुम्हारा भाई सीधा प्लेन करता है। अब बात की जाए कि आप लोगों को नेक्स्ट सीजन कौन से मोड में कॉन्कर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप बिग शाउट आउट टू ओबीटो गेमिंग भैया जी को, क्योंकि इन भैया जी ने अपने प्यारे से चैनल की प्यारी सी मेंबरशिप ली है। और अपना सेकंड शाउट आउट जाता है आरटी मयंक भैया जी को, क्योंकि इन भैया जी ने भी अपने प्यारे से चैनल की प्यारी सी मेंबरशिप ली है। और जिन भी भाइयों को अभी शाउट आउट नहीं मिला है ना, वो थोड़ा सा सब्र रखे, सब्र का फल मीठा होता है। तो देखो अब बात कर ली जाए कि आप लोगों को कौन से मोड में कॉन्कर करना चाहिए जो कि आप लोगों का इजिली कॉन्कर हो जाए। तो तुम्हारा भाई कुछ पॉइंट्स बताएगा जिनको अगर आप लोग देख के मतलब चूज करते हो कौन सा मोड में आपको कॉन्कर करना चाहिए, तो आपका 101% कॉन्कर हो ही जाएगा। तो देखो वी हैव 3 मोड्स इन बीच माई सोलो डुओ स्क्वाड, थोड़ा रुक जाओ हिंदी में ही आ जाते हैं वापस। तो देखो हमारे पास 3 मोड होते हैं सोलो डुओ स्क्वाड, और उनके 3 मोड और होते हैं एफपीपी वर्जन। तो देखो डुओ और स्क्वाड लगभग सेम है, मतलब सेम तो नहीं है लेकिन बस टीममेट का फर्क हो जाता है। तो पहले डुओ और स्क्वाड की बात कर ली जाए कि डुओ और स्क्वाड में किन बंदों को कॉन्कर करना चाहिए। तो देखो अगर तुम्हारे पास प्रॉपर टीममेट है, अगर देखो डुओ में कर रहे हो तो एक प्रॉपर टीममेट होना चाहिए, दूसरे तो तुम हो ही, तुम तो प्रो हो यार, मेरी वीडियो देख रहे हो मतलब तुम तो हो ही प्रो, तुम्हें एक और बंदा चाहिए बस डुओ में करने के लिए। और बाकी अगर स्क्वाड कर रहे हो तो बस 3 बंदे और चाहिए तुम तो, क्योंकि हो ही भाई नेक्स्ट लेवल। और देखो तुम सारे टीममेट्स का टाइम एक ही होना चाहिए, एक ही टाइम पे ऑनलाइन आने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बंदे इधर खेल ले 2 बंदे उस टाइम आ रहे हैं, मतलब अता ही पता नहीं है कौन प्लस करेगा कौन माइनस करेगा, अता ही पता नहीं चल रहा। और देखो डुओ और स्क्वाड में जब भी आप लोग रैंक पुश स्टार्ट करते हो पहले ही एक एफिडेविट बनवा लो, चारों बंदे या फिर दोनों बंदे साइन वाइन कर लो उसमें कि हमें अगर माइनस भी पड़ेगा हम रैंक पुश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जहां एक बंदे को माइनस पड़ा ना उसके वहीं घोड़े लग जाने, वो तुम्हारे भी घोड़े लगवा देगा रैंक पुश छोड़ के। और टीममेट ज्यादातर ट्राई करो कि उसको चुनो जो कि तुम्हारे अगल बगल ही रहता हो, अगर जहां उसने रैंक पुश छोड़ने की बात करी वहीं घर जाके पेलो साले को पकड़ के, क्योंकि बीज माई है भाई साहब, वो तो गलती से नाम इसका बीज माई पड़ा है, ये HGMI होना चाहिए भाई साहब, हैकर तो आने का ही आना है, तो तुम्हें फटके तो पड़ेंगे। अगर उस फटके में भी तुम रैंक पुश चालू रखते हो तो तुम्हारा एंड तक कॉन्कर हो जाएगा, वरना फिर देखो छोड़ दोगे तो घंटा नहीं होने का। और देखो कोई सा भी मोड बेकार नहीं होता और कोई सा भी मोड अच्छा नहीं होता रैंक पुश करने के लिए, वो तुम्हारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो वही चीज बता रहा हूं मैं, डुओ और स्क्वाड में अगर करना है प्रॉपर टीममेट है तो डुओ और स्क्वाड में चले जाओ, एकदम बढ़िया प्लस मिलेगा तुम्हें, बढ़िया कॉन्कर हो जाएगा, टीममेट का साथ भी रहेगा, बोर भी नहीं होगे। तो डुओ और स्क्वाड का समझ गए होगे, सेम टाइम होना चाहिए, दोनों की एनर्जी अच्छी खासी होनी चाहिए, एक टाइम पे ऑनलाइन आने चाहिए। अच्छा वो तो पहले ही पॉइंट था, हाँ तो देखो समझ गए ना तुम लोग, बस बात खत्म। और देखो अब बात कर ली जाए कि एफपीपी में करना चाहिए कि नहीं डुओ और स्क्वाड का, तो देखो एफपीपी में भी कर सकते हो, सेम सारे पॉइंट्स है, बस उसमें ना ये चीज रहती है कि मैचिंग थोड़ी कम होने लग जाती है 15-20 दिन के बाद, तो आपको 15-20 दिन में निपटाना पड़ेगा कॉन्करर। अब बात की जाए कि सोलो में किन बंदों को रैंक पुश करना चाहिए, तो देखो मेरे हिसाब से सोलो बेस्ट मोड है, चिंता मत करो, तुम्हें पॉइंट्स बताता हूँ, तुम गिनते गिनते पागल हो जाओगे, इतने ज्यादा बढ़िया पॉइंट्स बताऊंगा ना कि सोलो क्यों बेस्ट है, बस देखो कॉपी पेन ले लो और लिखते जाओ। देखो पहली चीज किसी पे डिपेंड नहीं रहना, कभी भी मूड उठाओ फोन उठाओ चालू हो जाओ रैंक पुश करने के लिए। और दूसरी चीज आपको सिर्फ एक बंदे से फाइट निकाली है, क्योंकि सोलो में अकेले अकेले की फाइट होती है, आपके ऊपर 2-3 बंदों का तो पुश आएगा नहीं, या फिर शायद आ भी सकता है, भाई साहब टीम अप वाले बहुत आते हैं। और अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है ना तो भैया आ जाओ सोलो रैंक पुश करते हैं, अगले सीजन आ जाओ जल्दी
जल्दी हाँ डिवाइस उठाओ, ईयरफोन उठाओ, चालू हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 4-5 किल्स निकालने, टॉप 10 टॉप 5 सर्वाइव करना है, आपको अच्छा खासा प्लस देखने को मिल जाएगा और आप ना 30 दिन में भी आराम से कॉन्कर लगा सकते हो। और बाकी देखो सोलो टीपीपी में आपको मैचिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आखिरी दिन तक मैचिंग होती रहती है, हमारे जैसे बहुत से वेले इंसान बैठ के खेलते रहते हैं सोलो, जिनकी वजह से मैचिंग हो जाती है बहुत आराम से, लेकिन पॉइंट्स थोड़ा हाई जाता है, लेकिन आप लोगों को ना 30 दिन के अंदर अंदर कॉन्कर लगा लेना, क्योंकि 30 दिन तक आपको अच्छा खासा प्लस मिलता है, उसके बाद थोड़ा प्लस कम हो जाता है। और अगर आप लोग सोलो एफपीपी में कॉन्कर करना चाहते हो तो देखो पहली चीज तो आपको 20 दिन में कॉन्कर लगाना पड़ेगा, दूसरी चीज आपको एफपीपी खेलना आना चाहिए, अतः ही ना पता चल रहा कि भाई साहब बॉट भी कहां से आ रहा, तुम्हें बॉट भी निपटा के चला जाएगा कॉन्कर लॉबी का, अगर तुम्हें यही नहीं पता चल रहा आग इधर से रहा है। बाकी देखो सोलो खेलने के बहुत से फायदे, तुम्हारा गेम सेंस इंप्रूव होता है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है तुम्हें अकेले को लेना है, जो भी तुम माइनस खाओगे अपने दम पे खाओगे, प्लस निकालोगे अपने दम पे खाओगे। और बाकी अगर तुम लोगों ने अब जाके डिसाइड कर लिया है कि तुम सोलो में करने वाले हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक तो अपने 6 के सब्सक्राइबर्स होने वाले, दूसरी चीज तुम्हारा भाई तुम्हारा कॉन्कर की गारंटी लेता है, एकदम आराम से करवाएगा, बस तुम्हें जो भी डाउट हो आके डेली कमेंट्स करके पूछ लेना, तुम्हारा भाई डेली वीडियो लाएगा। और अगर अभी भी तुम लोग किसी वैम में हो कि तुम्हें डुओ करना चाहिए या स्क्वाड करना चाहिए तो एक बार कमेंट करके बता देना, कल की वीडियो में और भड़काऊंगा, भाई सोलो करो, सोलो बेस्ट है, अकेले दम पे करो, एकदम आराम से कॉन्कर हो जाएगा। अब देखो बहुत होगी बकवास, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लेना। बात करें अपने गेम प्ले की तो देखो मेरे अलावा बच रहे सिर्फ लास्ट के 5 बंदे, क्योंकि एंड सर्कल तक तुम्हारे भाई को बकवास करनी थी ना, इसलिए मैंने किल्स निकाले ही नहीं। तुम लोग भी सोच रहे हो भाई साहब ये कहां से लाता है ऐसे बहाने, तो देखो तुम्हारे भाई ने अभी तक किल्स नहीं निकाले, लेकिन ये 5 बंदों को बचे हैं ना, जो 5 को तुम्हारा भाई निपटाएगा, चिंता मत करो। देखो पहला निपटाते हैं, ए अरे मेंढक उठ जा, वो रहा सामने बंदा, सामने। अब ये भैया जी को निपटा के अपना अच्छा खासा 6 किल हो जाते हैं। और देखो एक बंदे ने और फायर लिया था इन भैया जी के ऊपर, अब वो भी आएगा जोन में, उसको भी निपटाया जाएगा, क्योंकि भैया देखो मैं भेदभाव नहीं करता, तुम्हारा भाई बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, बस जब तक तुम्हारे भाई को सामने वाले का नाम ना पता हो। और देखो नाम पता होने के बाद भी मैं मारता ही हूँ वो, बस उसके बाद ये डिसाइड होता है कि रिएक्शन कैसा देना है। वह साले तुझे जोन में आना चाहिए, कहाँ से निकल रहा है। देखो इस बंदे को तुम्हारे भाई जो ही निपटाने वाला है ना, बस देखते जाओ। अब देखो तुम्हारे भाई ने उस पर ग्रेनेड करा, उससे घंटा कुछ नहीं उखड़ा, उसके बाद तुम्हारा भाई पहली फुर्सत में भग लेता है, क्योंकि अब उसके पास तो ग्रेनेड होंगे, वो उखाड़ सकता है कुछ ना कुछ, तो तुम्हारे भाई आके यहाँ पे कोने में बैठ जाता है। अब ये भैया जी अपने ऊपर पुश कर देते हैं, बस देखते जाओ कैसे निपटाते हैं भैया जी को। और देखो अपने पास ग्रेनेड नहीं है, मौली तो है, और ये भैया जी यहाँ पे फर्स्ट लगा देते हैं, मतलब कि अपने ग्रेनेड से डैमेज तो हुए थे, क्योंकि नेड गॉड अवार्ड, बाकी मौली अपना रहा बचा काम कर देती है। ये देखो आई किल फीड, आजा आ गई। वह भाई मजाक से हटके इन भैया जी को मैं 7-8 बार मार चुका हूँ नेड मौली से, मेरे को नाम याद हो गया अब तो। इसी के साथ दिल्ली से एक सनसनी खबर, दिल्ली में आया एक भयंकर भूकंप और एक बच्चे का 6x पूरा हिल गया। वाह भाई साहब, खुद के मतलब घोड़े लगे पड़े, दूसरे की गाड़ी पे स्प्रे ले रहे हो हैं। अब इन भैया जी को निपटा के अपने अच्छे खासे 8 किलो जाते हो, उसके बाद तुम्हारे भाई के अलावा बच्चे से बस लास्ट के 2 बंदे, और देखो कैसे निपटाते हैं इनको। दोबारा से दिल्ली से आई एक सनसनी खबर, दिल्ली में आया भयंकर भूकंप, बच्चा शिक्षक के स्प्रे से परेशान। अब देखो लाश के दोनों बंदे सामने की साइड है, दोनों की फाइट ना होके दी थी, और मेरे पास नेड़ मौली नहीं है, वहां पता नहीं है बैठ के क्या इलू इलू कर रहे हैं। अब एक बंदे में चलो थोड़ी तो हिम्मत थी, बाहर निकल के आया। ले भैया ओम पो फ्री फायर में ले गया तुम्हारा भाई इन भैया जी को, उसके बाद मेरे को कुछ तो चमकता हुआ दिखता, और ये चमकाहट एक हेलमेट की थी, तुम्हारे भाई ने और चमका दिया, ग्लेशियर ही चमका दी सीधा उसके ऊपर। अब ये भैया जी यहाँ पे आके आराम से लेट जाते हैं, भैया जी इससे अच्छा तो तुम फाइट ही लेने आ जाते। ये देखो भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हैं। वह बस बस भाई मर गया बस 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 कंट्रोल कंट्रोल। अब देखो चिकन कर रहा है तो देखो पहले तो मूर्ति निकाली जाएगी, ये मूर्ति बाहर निकाल निकाल पूरी बाहर, उसके बाद देखो अब पूरा नाच गाना होएगा एकदम, मतलब फुल एंटरटेनमेंट। अब भाई वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 6K भी होने वाले कर दो यार। बाकी मिलता है मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्रेलर, क्या बोल रहा हूँ मैं, बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।